जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक और इसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो जो हमारा चल रहा है चैप्टर है 46, अभी हम जो है इसका पार्ट टू करेंगे जो कि है प्रजातीय जनजातीय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कैसे लगी, शेयर करेगा अपने दोस्तों में इस जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। और यहाँ पर देखिए आप चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इंडेक्स है, आप दोनों तरफ देखते हुए चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। फिलहाल जो अभी हमें चैप्टर नंबर 46 पर हैं, ठीक है, इस वीडियो में ये कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास कुछ ही चैप्टर्स और बच जाएंगे, 46 फिर 47 से लेकर 52, विविध को देखेंगे एंड में। नहीं तो हमारे पास कुछ 5 चैप्टर हैं, थोड़ी सी टाइम में ये भी ख़त्म हो जाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा तो नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी भी घटना चक्र के बारे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मतलब जाति जो प्रजातियाँ हैं और जनजातियाँ उसके हमने देखिए नोट्स तो कर लिए थे, अभी हम क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि जो खानाबदोश जनजातियों के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो गाइस किस शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो लिखा है जो खानाबदोश जनजातियों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियाँ प्रमुखता से पाई जाती हैं। फिर लिखा है ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आंसर है सी, यानी कि मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत और पर्वत से घाटी की ओर। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं तो और मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इसे मौसमी स्थानांतरण को हम बोलते हैं ऋतु प्रवास। अब लिखा है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, लिखा है हेडलबर्ग मानव, पिल्टडॉन मानव या क्रोमेग्नन मानव, ये 1994 का है, और फिर है नियंडरथल मानव। तो गाइस यहाँ आंसर है बी हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है उपरोक्त तो मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम जो अपने इसने बोला क्रोमेग्नन मानव को माना जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस से ठीक पहले था, ठीक है। 1868 में क्या होता है, फ्रांस की डॉर्डन घाटी में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई है और आज से 40,000 वर्ष पूर्व तक इसका अस्तित्व माना जाता है। अब लिखा है कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, तो कब माना जाता है गाइस, ये 15 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है। तो पृथ्वी के तल पर जो प्रथम पक्षी है यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स, तो इसका प्रादुर्भाव 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ वर्ष पहले का माना जाता है। अब इसने लिखा है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट लिखा है किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है काकेशियाई। तो वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक वृहद प्रजाति के रूप में की जाती है, इस प्रजाति की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इसमें लिखा है नरजाति समूह और देश लिखे हैं, तो गाइस यहाँ पर लिखा है यहूदी आपको मिल जाएंगे इसराइल में, टेडा आपको लीबिया में मिल जाएंगे, बेजा आपको मिस्र में मिल जाएंगे, और लुर जो है आपको ईरान में मिल जाएंगे। जिप्सी लोग का मूल स्थान की अगर हम बात करें तो वो है आपका भारत, जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत के डोम जाति, ये निम्न जाति है, इसे माना जाता है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति यानी कि पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कौन सी नदी घाटी है, इस कॉन्गो नदी घाटी। लिखा है पिग्मी जनजाति जो है आपका विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, ये शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर पाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें क्या बोलते हैं, मोंगुलस कहा जाता है। लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, तो आंसर है हमारा विषुवत रेखीय वन। लिखा है कि घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए हैं इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मी के घर का है, तो गाइस देखिए ये हो गया, ये क्या है, पेड़ों पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। चूंकि पिग्मी जनजाति के लोग वृक्ष पर अपने घरों का निर्माण करते हैं, तो आंसर हो गया ए, वृक्ष पर सीढ़ी लगी हुई दिखाई गई है जिसमें, देखिए ये रही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है घुमक्कड़ नहीं है, पिग्मी
मसाई, कज़ाक और लेप्स। तो दिए गए विकल्प में सभी जनजातियाँ घुमंतू हैं, अर्ध घुमंती हैं, ठीक है, जो पशुचारण और खाद्य संग्रहण या फिर शिकार हेतु घुमंतू जीवन व्यतीत करती है, मतलब इधर उधर घूमती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? इसमें लिखा है एस्किमो आपको कहाँ मिलेगी, कैनेडा में। बाकी इसमें लिखा है ओरान जापान, लेप्स भारत और गोंड अफ्रीका में, ठीक है, ये गलत है आपके सारे। तो एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। अब बात करेंगे ओरान की, तो भारत में अधिवासित जनजाति है। लैप्स यूरोपीय टूंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं। गोंड भारत में निवास करने वाली जनजाति है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए लिखा है एस्किमो अमेज़न बेसिन, बुंदू सहारा, पिग्मी इरावती बेसिन, बुशमैन कालाहारी। बस एक ये सही है, बाकी गलत है। तो एस्किमो जो है उच्च अक्षांतीय बर्फीली क्षेत्र जैसे कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। पिग्मी मुख्यतः जो है मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में, फिर है बुंदू जो है आपका पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। डी सही है, बाकी सब गलत। अब यहाँ लिखा है जनजाति और फिर यहाँ लिखा है क्षेत्र, ठीक है। तो गाइस हमारे पास कौन कौन है, एस्किमो है, मसाई है, बद्दू है, बुशमैन है। देखिए एस्किमो की अगर बात करें तो ये कनाडा में, ग्रीनलैंड के टूंड्रा प्रदेश में। मसाई की अगर बात करें तो केन्या अफ्रीका में है। बद्दू की बात करें तो सऊदी अरब। बुशमैन की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल। बोस्वाना नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में है, मतलब जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोस्वाना में भी है, नामीबिया में भी है और साउथ अफ्रीका के कुछ भागों में भी पाया जाता है। चलिए एस्किमो की अगर हम बात करें तो गाइस ये कनाडा के, अब है जनजाति और क्षेत्र किर्गिज, बुशमैन, एनू, बद्दू। जो किर्गिज है गाइस आपको मध्य एशिया में मिल जाएगी, बुशमैन आपको कालाहारी में मिल जाएगी, एनू आपको जापान में, बद्दू आपको अरब में मिल जाएगी। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन क्रियाकलाप, तो गाइस चलिए इसमें लिखा है कयाक। कयाक के लिखा है कि शिकार हेतु संकरी नाव। फिर है इनुइट, इनुइट क्या होता है गाइस, बर्फ का मगान, इग्लू बोलते जो। फिर है यूनियॉक क्या है, परिवहन हेतु नाव होती है। स्लेज क्या है, आपका कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी जो एस्किमोज यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है इनुइट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इसके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान को हम बोलते हैं इग्लू। अब यहाँ लिखा है बुशमैन, बद्दू, पिग्मी और मसाई, ये कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है बुशमैन जो है आपका नामीबिया, क्योंकि कालाहारी मरुस्थल में तो नामीबिया पे भी है। फिर है यहाँ बद्दू की अगर बात करें तो सऊदी अरब, पिग्मी की बात करें तो कॉन्गो और मसाई की बात करें तो केन्या अफ्रीका में। अब लिखा है सिमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर है मलेशिया। तो इसमें लिखा है सिमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है, ये निग्रीटो प्रजाति के अंतर्गत आती है। फिर इसमें लिखा है कौन सा गलत है, तो इसमें लिखा है बर्बर मोरक्को में सही है, इनुइट आपका कनाडा में सही है, सिमांग आपका गलत मलेशिया में है, बेद्दा जो है आपका श्रीलंका में सही है। तो सेमांग जो है इंडोनेशिया में नहीं मलेशिया की जनजाति है, अन्य बाकी सही है। ऐसे अगर जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है, जुलू का, ठीक है। तो कहे जुलू का जो है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए लिखा है जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका के में निवास करने वाली जनजाति है, ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अब लिखा है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, एनू जापान,
बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, पापुआन न्यूगिनी, बिल्कुल मसाई केन्या, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है बुशमैन जो है, यहाँ पे बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ लिखा है, लिखा है बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका संघ अर्थात दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। फिर एनू जापान में, मसाई जो है आपका केन्या में, और ये भी सही, मतलब सारे ही सही हैं इसमें तो, ठीक है। तो अतः दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, मतलब सारी सारे सही हैं, आंसर में से का कौन सा गलत है, तो इसमें सारे ही सही हैं, तो आंसर तो आपका कोई है ही नहीं। तो विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित मानते हैं, मतलब कौन सा है, कालाहारी, लिखा है निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित है, हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, और बुशमैन बोस्वाना। तो आपका ये सही है, बोस्वाना, बुशमैन। बुशमैन आदिम जाति कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, बोस्वाना, नामीबिया आदि में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, यानी कि गलत है। इसमें लगा कॉन्गो बेसिन में, इसमें लगा कि निग्रीटो पाए जाते हैं। चलिए मध्य एशिया में आपका अल्पाइन एकदम सही है, कालाहारी में बुशमैन सही है, स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक सही है, ठीक है। लेकिन कॉन्गो बेसिन की बात करते हैं तो गाइस कॉन्गो बेसिन में देखिए कौन सी है आपकी, पिग्मी, बाकी के सारे सही हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है जो खिरगीज है वो आपका मध्य एशिया में है, बिल्कुल। मसाई इसमें लिखा है कि पश्चिम अफ्रीका, तो ये आपका हो गया गलत। रेड इंडियंस आपके नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएंगे, और एस्किमोज आपको ग्रीनलैंड में मिल जाएंगे, कनाडा में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मसाई जनजाति जो है आपको पश्चिम अफ्रीका में नहीं मिलती है, ये आपको मिलती है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, केन्या और उत्तरी तंजानिया में, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। अब इसमें बताना कौन सा गलत है, इसमें कहा माओरी न्यूजीलैंड में मिलती है, मसाई अभी हमने पढ़ा जाम्बिया में नहीं मिलती है, गलत, ठीक है। इसमें मयाज जो है आपका ग्वातेमाला में मिलती है, बिल्कुल सही है, और बुशमैन जो है कालाहारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसने कहा मसाई जनजाति केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, ना कि जाम्बिया में पाई जाती है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का ना का भाग था, ठीक है, इसमें जिसमें जो है कुर्दिश लोग रहते थे। तो देखिए पहले क्या था आपका, जो आर्मीनिया है वो आपका पहले सोवियत संघ का ही भाग था, जहाँ पे रहते थे कुर्दिश लोग। तो इसने कहा सोवियत संघ का जब विभाजन हुआ उसके बाद जो आर्मीनिया नया देश बन गया, यहाँ पर कुर्दिश प्रजाति के लोग निवास करते थे, इनुइट लोग जो है इनुइट लोग नहीं पाए जाते, अलास्का में पाए जाते हैं, कैनेडा में पाए जाते हैं, आपका ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, स्वीडन में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये कैनेडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, रशिया, अमेरिका के अलास्का में, ये सब आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं इनुइट मूल निवासी। तो इसमें लिखा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें लिखा है फुलानी वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, बंतू जो है सहारा में लिखा है, ये गलत है। आपका मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बिल्कुल सही है, और नूबा आपका सूडान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बंतू की अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि सहारा। तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश आते हैं, उत्तरी नॉर्वे आ गया आपका, स्वीडन आ गया, फिनलैंड आ गया, रशिया का कोला प्रायद्वीप आ गया, रशिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो उत्तरी अमेरिका के गाइस किससे है, मंगोलाइड्स। और लिखा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताना है। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में, बिल्कुल सही है, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में, और किर्गिज जो है आपका सूडान लिखा है, जो कि गलत है। पिग्मी आपको कॉन्गो बेसिन में मिलेगा, सही है, अंगामी जो है आपको नागालैंड में मिल जाएगा, एनू जो है आपका जापान में मिल जाएगा, किर्गिज या फिर हम बोलते हैं खिरगीज, ये आपको मिलेगा मध्य एशिया में, ना कि सूडान में।
नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि गलत है। तो इसमें लिखा है मसाई, जो लिखा है मध्य पूर्वी अफ्रीका में, ओके। फिर लिखा है सकाई मलेशिया में, ओके। फिर लिखा है बेडोइन अरबी प्रायद्वीप में, और किर्गिज जो है मध्य एशिया में। चलिएगा इस फिर से देखते हैं। इसमें मसाई जो जनजाति है वो आपका पूर्वी अफ्रीका के केनिया तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में मिलती है, और यहाँ पे इसने लिखा है मध्य पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, तो बेमेल यानी कि एक तो ये गलत है, ठीक है। चलिए आइए देखें, तो इसमें लिखा है सकाई जो है मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया में पाई जाती है, तो ये हो गया आपका सही। फिर नेक्स्ट लिखा है खिरगीज, नहीं ठीक है, खिरगीज जो है आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है, ये भी सही है आपका। फिर इसमें लिखा है बेडोइन यानी कि बद्दू अरब प्रायद्वीप अरब मरुस्थली क्षेत्र में पाई जाती है, तो अरब प्रायद्वीप, तो गाइस ये भी सही है। तो इसका आंसर है डी। तो गाइस ये देखिए मध्य पूर्वी अफ्रीका, आई थिंक ये भी सही है, मध्य पूर्वी अफ्रीका में। तो इसमें इसमें आंसर क्या है गाइस, इसमें कि उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे देखिए चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप करिएगा सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।